अगर आपको ये वीडियो देखते हुए डर लगे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, डर अपने आप भाग जाएगा। सोन बोला, भी बुड्ढी बुड्ढी तुम दोनों बहरे हो क्या? तभी वो दोनों अपने सर को पीछे घुमाते हैं। अरे ये क्या, ये तो ग्रैनी और ग्रैंडपा है। दोस्तों आज गुल्ली बुली और सोन गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए अपने नानी के घर जा रहे हैं। और इधर सोन काफी ज्यादा खुश लग रहा है क्योंकि वो आज नानी के घर पहली बार जा रहा है। सोन जोर से चिल्लाकर बोलता है, जल्दी गुल्ली बुली बाहर आओ नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। गुल्ली बुली भी घर से बाहर निकल जाते हैं। गुल्ली बोलता, आ रहा हूँ सोन, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? सोन बोलता, मुझे नानी के घर जल्दी से जल्दी पहुँचना है। गुल्ली बोलता, ठीक है तुम ही ज्यादा लेट कर रही हो, जल्दी से गाड़ी निकालो और चलते हैं। गुल्ली बुली ने तो बहुत सारे बैग भी रखे हुए जिसमें बहुत सारे कपड़े हैं। लगता है कि गुल्ली बुली सोन का काफी दिनों तक रहने का इरादा है। सारे लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और सोन गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहां से रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकल जाता है। सोन तो गाड़ी को काफी तेज चला रहा है। गुल्ली बोलता, सोन गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ नहीं तो हम नानी घर की जगह पर कहीं और पहुंच जाएंगे। सोन बोलता, आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ, आज मुझे किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी नानी घर पहुंचना है। और जरा गाड़ी के पीछे देखो, मैंने तुम दोनों के लिए कुछ गिफ्ट रखा हुआ है। गुल्ली बुली देखते हैं तो वहाँ पर दो दारू के बोतल रखे हुए होते हैं। गुल्ली बुली वो दारू के बोतल देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सोन बोलता, ये दोनों दारू के बोतल मैंने तुम्ही दोनों के लिए रखा हुआ है, जल्दी से तुम दोनों पी लो क्योंकि मैंने पहले से ही पी लिया है। गुल्ली बोलता, हुआ बेटा सोन, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, मुझे गर्व है तुम पर। गुल्ली बुली दोनों मजे से दारू पीते पीते रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुली ये रेलवे स्टेशन देखने के बाद थोड़ा मायूस हो जाते हैं क्योंकि ये रेलवे स्टेशन काफी ज्यादा भूतिया और डरावना लग रहा है। बुल्ली सोन से बोलता है, सोन मैंने ये रेलवे स्टेशन पहली बार देखा है, तुम्हें इस रेलवे स्टेशन के बारे में कैसे पता चला? सोन बोलता है, मुझे इस रेलवे स्टेशन के बारे में गूगल मैप पे पता चला है। गुल्ली बोलता है, मुझे तो ये रेलवे स्टेशन दिखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा है, जैसे लग रहा है कि यहाँ सालों से कोई आया नहीं। बुल्ली बोलता है, मुझे तो लग रहा है यहाँ से मैं वापस घर चले जाना चाहिए। सोन बोलता है, नहीं मैं नानी के घर आज पहली बार जा रहा हूँ और मुझे नानी घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। गुल्ली बोलता है, ठीक है सोन तुम इतना बोलते हो तो चलते हैं। गुल्ली बुली और सोन जैसे ही उस रेलवे स्टेशन के अंदर जाने लगती हैं, तभी वहां पर एक पागल आ जाता है और फिर वो पागल गुल्ली बुली सोन को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, अंदर मत जाना नहीं तो मौत मिलेगी। सोन पहले से ही काफी तो गुस्सा रहता है और उस पागल की बात सुनकर सोन का पारा हाई हो जाता है और फिर सोन उस पागल के दोनों फोटो को तोड़ देता है। गुल्ली बोलता है, बस सोन इतना इसके लिए काफी है नहीं तो ये यहीं पर मर जाएगा। सोन उस पागल को गुस्से में मारता है, वो पागल दूर जाकर गिरता है। अरे बाप रे बाप, पोड़ी फूटता हो कीड़ा पड़ता हो। और फिर गुल्ली बुली और सोन उस रेलवे स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद तो सोन को भी काफी ज्यादा डर लगने लगा है क्योंकि ये रेलवे स्टेशन काफी ज्यादा खाली है। सोन बोलता है, ये रेलवे स्टेशन इतनी ज्यादा डरावनी है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बुल्ली बोलता, अभी तो तुम शेर किसी से बात कर रहे थे, अंदर आने के साथ ही तुम चूहा कैसे बन गए? गुल्ली बोलता, अब चाहे कुछ भी हो जाए आज हम लोग नानी घर जाकर ही रहेंगे। गुल्ली बुली सोन बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं और ट्रेन का आने का इंतजार करने लगते हैं।
तभी गुल्ली पुलिस जोन के सामने एक पागल आदमी आता है और अपना सर जमीन में पटक पटक कर अपनी जान दे देता है। देखकर गुल्ली पुलिस सोन की तो होशी उड़ जाती है। सोन बोलता, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है गुल्ली बुली, हमें यहाँ से घर चले जाना चाहिए। गुल्ली बोलता, डर गए सोन, तुम्हें शायद पता नहीं कि हम लोग किसके चेले हैं, हम लोग बाबा लंगोटी लाल के चेले हैं। गुल्ली की ये बात सुनकर सोन बोलता है, हाँ गुल्ली तुम ये बात सही बोल रही हो, आज चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग नानी घर जाकर ही रहेंगे। तभी उस स्टेशन के माइक में कुछ अनाउंसमेंट होता है। टिंग टॉंग, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बक्सर जाने वाली ट्रेन आने वाली है। सोन बोलता, ये कौन पागल भौंक रहा है। गुल्ली बोलता, मुझे तो लगता है ये रेलवे स्टेशन पूरा पागलों से ही भरा हुआ है। गुल्ली बोलता, जरा वहाँ तो देखो उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, पगलापुर रेलवे स्टेशन। सोन बोलता, इसीलिए शायद यहाँ पर इतने सारे पागल दिख रहे हैं। तभी उस रेलवे स्टेशन के माइक में एक बार फिर से आवाज आती है, टिंग टॉंग, फिर से आप लोग के लिए गाना, उलाला उलाला, अब मैं जवा हो गई। तभी वहाँ पर ट्रेन आ जाती है। सोन बोलता, हमें नानी घर जाने से कोई नहीं रोक सकता, चलो 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 सबको जल्दी से ट्रेन में बैठ जाओ। सारे लोग ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और उन तीनों के अंदर जाती है, ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। बोलता, ट्रेन काफी ज्यादा वीराना लग रहा है और ये ट्रेन काफी ज्यादा खाली भी लग रहा है। आगे तो देखो, आगे दो लोग बैठे हुए हैं और वो लोग अपने सर को उधर मोड़े हुए भी हैं। हम लोगों को भी जल्दी से बैठ जाना चाहिए। गुल्ली बोलता, बुली और सोन, रास्ता काफी ज्यादा लंबा है, हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। सोन बोलता, गुल्ली बुली तुम लोग को सोना है तो सो जाओ, मैं तो अपने मोबाइल में गेम खेलूंगा। सोन की बात सुनकर गुल्ली बुली अपनी आंख बंद करके वहीं पे सो जाते हैं। लेकिन अब सोन को तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा और उसे नींद भी नहीं आ रही। सोन बोलता, गुल्ली बुली तो सो चुके हैं, क्यों ना मैं उन दोनों आदमी से थोड़ी देर बात कर लूं, इससे मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। सोन अपने सीट से उठता है और उन दोनों लोगों के पास जाने लगता है। सोन उन दोनों के पास जाकर आवाज लगाता है, लेकिन वो दोनों तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। सोन बोलता, मैं बुढ़े बुढ़ी तुम दोनों बहरे हो क्या। तभी वो दोनों अपने सर को पीछे घुमाते हैं, अरे ये क्या, ये तो ग्रेनी और ग्रैंडपा है, और ग्रेनी ग्रैंडपा की आंखें तो दोनों टमाटर के जैसे लाल हैं। अब पता नहीं सोन का क्या होने वाला है। अरे ये क्या, ग्रेनी ग्रैंडपा तो चलते ट्रेन से सोन को बाहर फेंक चुके हैं। सोन के चिल्लाने की आवाज से गुल्ली बुली की आंखें खुल जाती है और जैसे ही गुल्ली बुली अपनी आंखों को खोलते हैं, ग्रेनी और ग्रैंडपा उन दोनों पर भी चाकू से हमला कर देते हैं। तो दोस्तों, आज तक इस ट्रेन में जो कोई भी बैठा है वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं गया है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं, इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।